सर्दियों में किसानों द्वारा खेतों में पराली जलाने के मामले सामने आने लगते हैं। इस मामले में योगी सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीते दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वर्चुअल मीटिंग से जुड़कर पराली जलाने वाले लोगों पर कार्रवाई का आंकड़ा पेश किया है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में पराली जलाने की जो घटनाएं हुई हैं उसमें से 7 जनपद ऐसे हैं जिनमें पिछले वर्ष की तुलना में घटनाएं कम हुई हैं। 41 जनपद हमारे ऐसे हैं जिनमें पराली जलाने की घटनाएं बहुत ही कम हुई हैं, और जहां पर भी घटनाएं हुई हैं वहां पर हम लोगों ने कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि पराली जलाने में पकड़े गए लोगों पर 17 FIR इस साल दर्ज की गई हैं, जबकि 70 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। वहीं 10 ग्राम प्रधानों और अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है तथा 10,80,000 रुपए का जुर्माना भी इस साल लगाया गया था, जिसमें से 6,22,500 रुपए की वसूली की जा चुकी है। शाही ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि पराली ना जलाएं, अपने खेत व वातावरण को दूषित ना करें, बल्कि पराली का उपयोग चारे व जैविक खाद बनाने में करें। इससे पहले कृषि मंत्री और कृषि विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर किसान पराली जलाने के दोषी पाए गए उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इन किसानों के राशन कार्ड भी निरस्त कर दिए जाएंगे, जिससे वे सरकारी राशन का लाभ भी नहीं उठा पाएंगे। यही नहीं, इन किसानों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित कर दिया जाएगा। ये कदम उन किसानों के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा जो सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फसल क्रांति न्यूज़।